नहीं, हमने तो आपको कली कहा था, ताकतवरों की लड़ाई है, एक दूसरे को पंच मारते हैं, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, इनकी तकलीफ पर एंजॉय करना है, खुश होना है, हमें और आपको गमजदा नहीं होना, चाहे इस फैसले से हुकूमत को नुकसान हो रहा है या किसी और को हो रहा है, आप इसको एंजॉय करें। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट जो है ना एक बालादा चला रहा है। नहीं नहीं, कुछ जरूरत नहीं है ना, हमें क्या जो एक दूसरे को पंच पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है ना, जो दर्द आया उस दर्द को हमने और आपने एंजॉय करना है, हमें इनके गम में शरीक नहीं होना क्योंकि हमारे गम में शरीक नहीं होते। देखिए ये जो पार्लियामेंट है ना, इसमें कोई शक नहीं कि एक बालादस्त इदारा है, ये आइन साथ इदारा भी है और कानून साथ इदारा भी है, इसमें भी जो है ना वो कोई शक नहीं। सुप्रीम कोर्ट जिन कवानीन के तहत फैसले करती है, उस कानून साजी में तरामीम का हक भी इस पार्लियामेंट को हासिल है, इसमें भी कोई शक नहीं। जी, लेकिन जब हम बात करेंगे, जब हम इस पार्लियामेंट के लोगों को देखते हैं, इस पार्लियामान में मौजूद अफराद की जो नियत, इनका फहम, इनकी बसीरत, इनका शऊर, वो हमें मशकूक लगता है। हम और आप अंधे, हमें आपको नहीं पता कि इधर जो इलेक्शन नहीं हो रहे उसका सबब क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला छोड़े ना, किरदार सही है गलत है अच्छी है बुरी है, उसको तो आप छोड़ दें, हमें आपको नहीं अल्लाह ताला ने इतना शऊर दिया हुआ, इस शऊर के लिए हमें कोई कानून की किताब पढ़नी है? एक कॉमन सेंस चाहिए ना हमें, और हमारे आपके पास नहीं है कॉमन सेंस? अच्छा, फिर हम ये नहीं देखते कि जहाँ अपने मफादात की बात होती है तो ये पार्लियामेंट सारे कानून बनाती है? क्या इस पार्लियामेंट ने अभी कुछ अरसे पहले अपने आप को नैब से बचाने के कानून नहीं बनाए? इसी पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाए जब ठंड लगी थी कि तीसरी दफा वजीर आजम कोई नहीं बन सकता, किसको वजीर आजम बनना था तो पाबंदी खत्म की दूसरी के बाद तीसरी बार बन सकता है? किसको सदर बनाना था तो इसी पार्लियामेंट ने जो है तब्दीली की आइन में कि इंटर पास भी जो है सदर बन सकता है? वो लगाई किसने थी पाबंदी साल में तीसरी दफा वाली? आपके दोस्त मरहूम जनरल मुशर्रफ ने एज डिक्टेटर साल में पार्लियामेंट ने नहीं लगाई थी? 30 साल में इस पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कोई कानून, कोई एक ऐसी आइन में तशरी, कोई तरमीम की हो जिससे बिलवास्ता बिला वास्ता एक आम इंसान को फर्क पड़ रहा हो? बताएं आप, मिसाल लाएं। चलो परवेज मुशर्रफ तो दो नंबर था ना, डिक्टेटर सब कुछ गलत किया, चलो तुम तो फरिश्ते हो ना, जमहूरियत पसंद हो, कोई मिसाल लेके आओ भाई। उसी ने किया ना तो उसकी तारीफ करें, या तो बराए रास्त इस तरह ना दाव लगाएं कि जी पार्लियामेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, हर चीज को आप बात तितर बितर कठे ना करो ना, अपनी बारी में चल लीजिएगा ना, ये बात तो तब कर रहे हैं अगर जब तक आप ठीक बात कर रहे थे, मुझे भी कोई मसला नहीं था जब उनके चोट, लेकिन आप दाव लगा रहे नहीं करने देते। अब मैंने आपकी बात ही नहीं, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के हुक्म मैंने आपकी बारी में बात नहीं की है, जबरदस्ती घुसा और जिसे निकाला पार्लियामेंट ने, वहां पे इतराज उठेगा। जब आप लोगों की बात कर रहे हैं हमें कोई मसला नहीं है, आपकी राय है, लेकिन आप एक गैर आईनी काम को आईनी बना के पेश करें लोगों के सामने, हमारा इतराज होगा। जी फैसल साहब, देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना कि जो तकलीफ हो रही है ना, इस तकलीफ को हमने और आपने एंजॉय करना है, क्योंकि ये आमिर साहब की आवाज निकल रही है, कभी आम इंसान के आपको तो ज्यादा हुई ये आवाज, मुशर्रफ का नाम आते हमेशा ताकतवर लोगों के लिए निकलेंगी, इनको हमेशा इनको इनकी जो छत से जाके लगेंगे ना, जब ताकतवर आदमी को तकलीफ पहुंचेगी, जब किसी तबका अशराफिया को तकलीफ पहुंचेगी तो इनकी चीखें निकलती हैं। आम इंसान के लिए कभी इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, आप भी नहीं निकलती, क्यों नहीं निकलती भाई? कभी इतना शोर आम आदमी के लिए मचाया कभी आपने, इतनी जोर से कभी आप आम इंसान के लिए चीखे, कभी इन चीखे भाई, कभी आवाज भी नहीं आती आपकी? आप ये पार्लियामेंट भाई, इस बात को, इस जंग को, जब जो जंग होती है ना, जो जंग का जो असूल होता है कि जंग और मोहब्बत में जो है सब कुछ जायज है, जब हम ये कह रहे हैं ना कि दायरे आपस में टकरा गए, जब हम ये कह रहे हैं कि दायरे आपस में लड़ रहे हैं, तो कोई भी भाई जंग फिर आईन और कानून की किताब देख के नहीं लड़ेगा। जो कुछ पार्लियामेंट कर रही है, जो कुछ सियासतदान कर रहे हैं, वो भी आईन कानून की किताब को देख के नहीं कर रहे, वो भी ताकत की बुनियाद पर अपने मफादात को देख के कर रहे हैं, उनके सामने जो फरीक मौजूद है वो जो कुछ कर रहा है, तो फिर वो भी ताकत की बुनियाद पर कर रहे हैं। हमें आपको गमजदा होने की क्या जरूरत है? लेबर काउंसलर एक खबर देने लगा हूँ, और लेबर काउंसलर एक खबर दे देने दो, वफाकी हुकूमत ने 21 से 25 अप्रैल तक ईद उल फितर की छुट्टियां अनाउंस कर दी। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या पता मजदूर की।